इतनी मेहनती मम्मी मिली हम लोगों को, देखा करो पता लगेगी। कितने बजे उठ के? 5 बजे। इतनी मेहनती मैं देखो धुएं के आगे बैठ के हमें नाश्ता खिलाती बेचारी। आराम से आराम से आराम से, हाँ फतेह करके आना फतेह, हर मैदान फतेह। ये मोनू देखो पतंग उड़ा रहा है, मोनू दाई मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे, अरे मोनू दाई कट गए। मम्मी देखो लकड़ियां फेंके पड़ी ऊपर से, नीचे गंदा कर दिया मम्मी ने। ये हमें जबरदस्ती मत तोड़ मम्मी, नीचे उठ रहा है तो ये लग गई हाथ में, लगी दिखा देखा हाथ देखा मम्मी मम्मी के हाथ में लग गए। Yo guys, welcome back to my new vlog. So I hope सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया रहना एकदम। और अभी का सीन शॉट ऐसा है, अभी बज रहे सुबह के 8 और मैं नहा धो के हो गया बिल्कुल साफ। और आपको क्या बताऊं गाइस, मैंने ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया एकदम। और मैंने आपको पहले बताया था मैं रोज सुबह नहा ले रहा हूँ, वो क्योंकि बाद में नहाने का झाड़ खत्म हो जाता है। सुबह सुबह नहा लो ताजे पानी से और पूरा मूड फ्रेश हो जाता है, समझ रहे हो। तो मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गया, मम्मी ने भी नहा लिया फिलहाल, बड़ा वाला भाई नहा रहा है। उसके बाद वो पूजा करेगा, आज हम लोग पूजा नहीं कर पाए तो वो पूजा करेगा। मम्मी बना रही है आगे चूल्हे में नाश्ता, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को चूल्हे में नाश्ता कैसे बना रही मम्मी आग जला के। और फिलहाल मौसम यहाँ पर गाइज आज खिली खिली धूप आई, एकदम चटाई धूप आ रखी सुबह ही सुबह। वो मौसम आज साफ रहेगा, फिलहाल ठंड पड़ लीजिए इस मौसम इन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसे मौसम में तो देखो ठंड नहीं पड़ी फिलहाल, एक दो दिन कोहरा आया हो के बावजूद चली गया हो, दो दिन ठंड पड़ी फिलहाल विकट की, लेकिन फिर चले गया वो कोहरा। अभी धूप हुआ रखी बहुत अच्छी, दिखाता हूँ आप लोगों को मौसम आज का। बाहर मिलते हैं, मम्मी को भी दिखाऊंगा आगे। और मम्मी यहाँ पर लगी हुई है नाश्ता बनाने में चूल्हे में, सब्जी गर्म कर दी कल रात की, आज आग अच्छी चल रही है आज। कितना अच्छा लग रहा है आग के आगे, आ नहीं जाता आज आग भी अच्छी चल रही है यार। मम्मी आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। खराब तो नहीं होगा मैं पक सही है, भगवान नहीं कहना मैं धुल जाएगा। मम्मी ने सारे कपड़े उपड़े धो दिए आज, सारे कपड़े धुल जाते हैं मम्मी के सुबह सुबह उठ के। हमारी मैं बहुत मेहनती मम्मी मिली हमें। कुछ बोल, इतनी मेहनती मम्मी मिली हम लोगों को, देखा करो पता लगेगी। कितने बजे उठ के? 5 बजे। अभी उठता नहीं 5 बजे, ये बता। आज तो 4:30 में उठी। 4:30 में उठी, बाप रे। मम्मी मैं उठता नहीं 4:30 बजे के टाइम, बिल्कुल तो बहुत उठता है। मैं उठ नहीं पाता पहले बता मम्मी, मुश्किल में उठता है। मम्मी झूठ कितना बोले सबके सामने यार, एक चिल्ला दिनेश चिल्लाती तो वैसे उठ जाता हूँ मम्मी मैं। अब आपने सुन लिया होगा अपने मुंह से, आज देखो 4:30 बजे उठी है। ऐसे मत सबको मिले, इतनी मेहनती मैं देखो धुएं के आगे बैठ के हमें नाश्ता खिलाती बेचारी। गैस तो है नहीं हमारे यहाँ, गैस हो गई खत्म, दो दो तीन दिन सिलेंडर पड़े फिर भी देखो गाइस चूल्हे में खाना बन रहा है। यहाँ पर शौक है क्यों मम्मी खा लिए? हाथ उत भी सीख जाते हैं और काफी कुछ हो भी जाता है फिलहाल गाइस। थोड़ा बहुत धुएं में भी रहना चाहिए, ये दिन भी देखने चाहिए फिलहाल चूल्हे वूल्हे के। पहले के लोग तो फिलहाल चूल्हे में ही खाना वाना बना देते ना मम्मी, क्या बात है। पहले के लोग तो फिलहाल चूल्हे वूल्हे में खाना बना रहे थे, तो हमने भी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने की सोची है मम्मी। फिर धुआं धुआं कर दिया तूने, तो भाई मम्मी जब तक खाना पीना बना दिया है। और फिलहाल देखो हमारे इसका पैर टूटा हुआ, देखो ये पेटे के तीनों पैर टूटे हुए हमारे, इनको मैं जोड़ूंगा आज। तीनों रखे हैं लेकिन फेविक्विक की जरूरत पड़ेगी, फेविक्विक लाऊंगा, इसको पट्टे को भी जोड़ूंगा आज। आपको आगे कुछ दिखाऊंगा मैं काफी कुछ, और मैं से बने ना फिलहाल मम्मी नाश्ता वास्ता बना रही है, बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो गाइज बना दिया मम्मी ने नाश्ता, ये सब्जी रखी मेरी, ये रखी रोटी मम्मी चटनी के साथ खा रही है, और रोटी रखी ये सब्जी रखी भी खाऊंगा, और थोड़ी देर में मिलता हूँ आप लोगों को मैं नाश्ता करने के बाद। तो गाइज मैंने नाश्ता वास्ता सब कर लिया फिनिश आराम से, और मम्मी देखो हाथ सेक रही है अपने, थोड़ा बहुत आग जो बची चूल्हे में उससे हाथ सेक रहे हैं हम। मम्मी ठंड लग रही है ज्यादा? नहीं है? तो 3 बजे रात से कौन उठता है? है? तुम उठते हो 3 बजे? क्या बढ़िया था गुरु, तू कितने उठते? 4 बजे, 4:30 बजे। तो गाइस जी समय हो रहा है लगभग लगभग 9:30, और मैं आ गया हूँ नीचे, मुझे बिस्तर उस्तर उठाने थे ये। मम्मी के तो फिलहाल बिस्तर उठ चुका है, मेरा बिस्तर रह गया है, तो फिलहाल मैं बिस्तर उस्तर उठाऊंगा और मम्मी के लिए ऊपर चाय ले जाऊंगा। तो गाइस मैंने बिस्तर उस्तर उठा दिए और अभी मैं रसोई में जा रहा हूँ, मम्मी के लिए चाय रखी मैंने, ये चाय डाल रखी मैंने ये, और अपने लिए चाय डाल रखी है, तो चाय पीऊंगा मैं अभी, ऊपर ही मिलता हूँ आपको, देते हो चाय। तो मम्मी को मैंने चाय वाय दे दी है और मेरी चाय रखी है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर छत में, जो ये कपड़े रखे मोटे मोटे छत में डालेंगे ऊपर, क्योंकि धूप यहाँ पर चली जाती है शाम को। फिलहाल अभी डालेंगे, और ये जूते धो रखे मम्मी ने आज हमारे, ये जूते धो रखे, ये धो रखा और एक सफेद वाला धो रखा, रुमाल भी मेरा पूरा सूख गया है। मैं तो ऊपर जा, गाइस मम्मी चढ़ गई ऊपर सीढ़ी से, आराम से आराम से, हाँ आराम से आराम से, आराम से, हाँ फतेह करके आना फतेह, फतेह कर ऊपर जाके चोटी पहले, लेकर हर मैदान फतेह। ये वाओ, दो जूते ऊपर ही ले जाऊंगा मैं, ऊपर ही मिलता हूँ अभी आप। तो गाइस मैं ऊपर आ गया हूँ, और मम्मी ये कपड़े डाल दिए सारे ऊपर ही सुखाने, और मैं जूते रख दिए सुखाने के लिए मम्मी ने, और कपड़े थोड़े बहुत रहेंगे मम्मी डाल लिए कपड़े सब। अरे मोनू देखो पतंग उड़ा रहा है, मोनू दाई वो काट दिया मोनू ने, कहाँ काटा
वो लहराते हुए जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखो वो लहरा रहा है। देखो गाइस ये मोनू दाई की पतंग ये उड़ी, देखो ये मोनू दाई की पतंग ये उड़ी है। मोनू जलेली उतार रहा पतंग अपनी और दिखाऊंगा आप लोगों को काट पाता नहीं काट पाता। फिलहाल आड़ी तो अच्छी लग रही है पतंग में। इतने मोनू दाई क्या करते हैं पतंग उन्हें रख दिया शायद। अब मोनू दाई देखो क्या करते हैं, काट पाते नहीं काट पाते। मोनू दाई कटनी चाहिए बेटा, इतनी उतार दिए तो ब्लॉग में काटते हो दिखाओ। मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे। अरे मोनू दाई कट गए, मोनू दाई कट गए, गलत खींच पड़ गई बेटा तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं मोनू दाई, गलत खींच पड़ गई तुझसे। मम्मी देखो लकड़ियां फेंके पड़ी ऊपर से नीचे, मैं कह रहा हूँ ले जाऊंगा मम्मी से, इतना गंदा कर दिया मम्मी ने। ये मम्मी मैं ले जाऊंगा रहने दे, मम्मी लकड़ी में ले जाऊंगा रहने दे। तो गाइस अभी नीचे मिलते हैं, तो नीचे उतरता हूँ मैं इन सीढ़ियों से। ये देखो गाइस मम्मी की हालत, देखो कितने गंदे की छत कर दी इन्होंने। ऐसे फेंक रही है लकड़ियाँ ऊपर से, मतलब फेंकने में अच्छा लगता है क्या लकड़ियाँ ये तो? अरे बाबा ऐसे इतने दिन से कह रहे ले आती ना, जले गले गले जल जाएंगे। अरे देवा तो मम्मी ले तो आए थे मैं इसमें कट्टे में, तो कोई नहीं तू ले आए, तूने ऊपर से फेंक दो मम्मी आप अच्छे से। मैं मदद करवा थोड़ी मम्मी। तो अब मैं स्वीप पड़ लूंगा ये कूड़ा उठाने वाला। मम्मी जबरदस्ती तोड़े पड़े लकड़ी को, मना करो लकड़ी मत तोड़ मम्मी, ये जबरदस्ती टूट नहीं रही है, मैं देखो तोड़े पड़ी मम्मी मत तोड़ मम्मी। हो गया अब मम्मी सुनते नहीं है हमारी मम्मी यार, ये पैर में इतने बहुत जान है मम्मी के हाथ में अभी यार, ऐसे हड्डी भी तोड़ती है हमारी आपको पता है। हमारी हड्डी भी तोड़ देगी ऐसे तो मम्मी ना मम्मी। जबरदस्ती तोड़ लिया मम्मी, नहीं टूट रहा तो रहने देना मम्मी, जबरदस्ती मत तोड़ मम्मी, जबरदस्ती मत तोड़ मम्मी, नहीं टूट रहा तो मैं जबरदस्ती मत तोड़ मम्मी, नहीं टूट रहा तो रहने दे। देखो देखो ये देखो कितनी जान है इसके पैर में, ये मजा आया, गजब की माँ यार, गजब है यार है? वो तेरी खुशामत कर रही हूँ। अच्छा मैं करता नहीं हूँ क्या मम्मी, करते करते दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। मैं करता नहीं हूँ क्या, देखो 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 कारनामे ये अब मैं नहीं टूटी तो पटे से पड़ी है मम्मी। देखो 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 ये तो तोड़ के मानी मम्मी हमारी, देखो सब फिनिश कर दिया। अब इसको देखो, अब इसकी बारी देखो। हाँ पटा ही टूटता है मुझे लग रहा है। लग गई हाथ में, लगी देखा बस हवा निकल गई, देखा हाथ देखा मम्मी, मम्मी के हाथ में लग गई। और तोड़ मना कर रहा हूँ, मत कर भाई मत करे, बच्चों का काम नहीं है, बंद कर दे। अच्छा लगा? नहीं। हाँ भाई क्या बोला तूने? आ गया स्वाद। तो भाई इतना चूरा इकट्ठा हो गया, ये मैं डालूंगा इसको बैग के ऊपर, ये फिनिश थोड़ा रह गया ये। फूल टूट गया ये, कोई बात नहीं गाइस, मैंने काम फिनिश कर दिया, साफ छत कर दिया पूरी वो। अरे आज फूल भी टूट गया, 10-12 दिन बाद फूल टूटा है गाइस, बुरा लग रहा है गाइस, बहुत दिनों से उगा हुआ था लेकिन आज टूट गया। वो कहते नहीं फूल मुरझा जाता है एक ना एक दिन, मुरझा गया फूल है। फिलहाल कोई बात नहीं, मम्मी थोड़ा बहुत कूड़े इकट्ठा करिए। तो गाइस अभी मैं नीचे आ गया हूँ और दूध भी आ गया, दूध मैंने खोलाने रख दिया है वो। गाइस मैंने अपने चैनल का कुछ बैनर बना रखा है, मैंने आपको दिखाता हूँ मैं फिलहाल, आप देखना बैनर पसंद आएगा प्लीज तो वीडियो को लाइक कर देना अच्छी से, पहले ही कहते रहा हूँ वीडियो से पहले। आज आपको बैनर दिखाता हूँ मैं गाइस, ये देखो बैनर मेरा, मैंने बैनर बहुत मुश्किल से बना रहा है गाइस, और बहुत काफी एचडी क्वालिटी में आ रखा है बैनर ये, और काफी समय लग गया इसको बनाने में मुझे भी। इस बैनर को बनाने में 1-1.5 घंटा लगा मुझे बनाने में, मैंने फटाफट बनाया, मैं चैनल में लगाऊंगा इसको। गाइस आपने बैनर देखा होगा ये, और आप देखना है बैनर को ब्लॉग खत्म होने के बाद। फिलहाल अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। गाइस पूरा 1-1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटा पूरा लगा। फिलहाल मैं 10 बजे से बैनर स्टार्ट कर रखा था, 11:30 बजे तक बैनर मेरा खत्म हुआ है, तो लगे पड़ा था बैनर बनाने में। तो फिलहाल मेरे जो मेरे वीडियो में थंबनेल लगे होते हैं गाइस, ये मैं रात में बनाता हूं, क्योंकि रात में मुझे काफी समय मिल जाता है, और उसमें गाइस आपको क्या बताऊं 10 बजे स्टार्ट करता हूं रात के, और 12 बजे तक तो मेरा थंबनेल बनता है। क्यों है, ये लगाऊं वो लगाऊं वो लगाऊं वो लगाऊं, दिमाग में क्रिएटिविटी आती रहती है, तो कंफ्यूज हो जाता है दिमाग मेरा पूरा, लास्ट में जाकर सब सही बनता है थंबनेल। और आप लोग देखते भी होगा, आप लोगों को अच्छा लगता होगा, प्लीज थंबनेल अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब मार दिया करो भाई को, तो न्यू वीडियो देख रहा है लाइक मारो सब्सक्राइब मार दो, इतना मेहनत करता है तुम्हारा भाई फिलहाल, और मुझे तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन आप लाइक मारो सब्सक्राइब मार दो, वॉच कर लो थोड़ा बहुत वीडियो, और मेरा इसमें हुआ तो कुछ हो जाता है। तो गाइस अभी थोड़ी देर मिलते हैं, मम्मी खाना पीना बनाएगी, दिखाता हूं क्या बना रही है आज। तो गाइस मम्मी आ रही है नीचे बर्तन लेने के लिए, तो गाइस हम ऊपर आ गए हैं और मम्मी ने दाल बनाए रख दी है, ये मम्मी की दाल बन दी है, मैं आग आगे बढ़ाता हूं मैं, अब चलेगी आग, और मम्मी ने इसमें चावल रख दिया आराम से, देखिए आप देख सकते हैं। तो गाइस मम्मी ने रख दिया वहाँ चावल बनाने के लिए, मम्मी वहाँ चावल बना रही है, और मम्मी का
इंतजाम देखो शाम का। अभी से मम्मी शाम का इंतजाम कर दे रही है साग बना के। ये मम्मी का साग रहा है, का साग है, राय का साग बना रखा मम्मी ने, सराय का साग बनाएगी अभी, फिलहाल अभी बना के रख देगी। मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन पनीर? मम्मी इतना अच्छा तो लगता है, स्मार्ट सा है पनीर तो। क्या बोला तूने? सफेद सफेद होता है, इतना स्मार्ट लगता है वो। क्या बोला तूने? मम्मी मैं कैसा लगता हूँ? स्मार्ट लगता हूँ, कैसा लगता हूँ मम्मी? स्मार्ट दाढ़ी। ये भगवान क्या जुलूम है, दाढ़ीबाज। दाढ़ी अच्छी लग रही है वैसे मेरे ऊपर यार, बहुत बहुत सूटेबल कर रही है दाढ़ी मेरे ऊपर, तुम्हें पता है? नहीं गाइस जो देख रहे हैं, मैं ये भी कह रहा हूं दाढ़ी रखो बड़ा बनाओ। कोई बात नहीं, दाल में पानी होगा तो कोई नहीं, बिना पानी वाली दाल खा लेंगे आज, पानी वाली दाल खा लेंगे आज, कोई बात नहीं मम्मी। होता है कभी कभी ना, दिन भी देखना पड़ता है, पानी वाली दाल भी खानी पड़ती है तुझे कभी कभी मम्मी। पानी ज्यादा पड़ गया दाल में तो मम्मी कम कर रही है पानी, मैंने निकाल दिया पानी तो ज्यादा हो गया था फिलहाल, अब दाल फिलहाल सही हो गई है। तो मना ही कर रहा था पानी वाली दाल खा लेते हम लोग, तो फिलहाल मम्मी ने कम कर दी। मम्मी साग छोंकने का इंतजाम कर रही है अभी, मम्मी ने तेल डाल दिया इसमें और आग बढ़ा रही है अभी, और वो रख रखा लहसुन मिर्च, मम्मी ने डाल दी मिर्च और लहसुन, मम्मी ने साग डाल दिया और दाल छोंक देना। ये रखा है, ये है करछुली, मम्मी करछुली रख फेंटेगी इसको ऊपर नीचे, फिर मम्मी बनने रख देगी थोड़ा बहुत हल्की आँच में। इतनी प्यारी मम्मी मिली है, इतना काम करने वाली कोई मम्मी होगी किसी को मिलेगी? खा ले रहा तो अच्छी है, इतना अच्छा खाना बनाती है मम्मी रोज, आज साग खिलाएगी मम्मी राय की। शाम खिलाऊंगी तो बेइज्जती मत करा अगर हमारी वीडियो में मम्मी यार, हंसते हैं तुझे पता है। खाते समय मिलेंगे आपको, कह रहे कि तुमसे मिलो। अगर एक दिन मिलने आ गए तो मम्मी चाय बनाएगी इनके लिए फिर? नहीं। गाइस ये साग देखो घुट घुट के कैसा हो गया साग, देखो गाइस ये। तो गाइस मम्मी चटनी बना रही, खाने पीने की तैयारी कर रही, चटनी देखो गाइस कितनी टेस्टी लग रही है देख के। मैं काटूंगा मूली गाइस, ये मूली चटनी में, चटनी बनाने के लिए टमाटर भून रहे हूँ, टमाटर भुनेगा हमारे पहाड़ी स्टाइल में, टमाटर भुन रहा है वो फिलहाल भुनेगा, फिर खाते पीते भी देखेंगे गाइस आपको हम। तो गाइस मम्मी ने मिले दाल चावल डाल दिए, ये लगी चटनी मम्मी की। तो गाइस मम्मी ने भी अपने डाल दिया साग और दाल, मिक्स करके खा रही मम्मी, इतने प्यार से खा रही मम्मी। मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको आगे, फिलहाल बाद में मिलूंगा मैं। तो गाइस हमने खाना वाना फिनिश कर लिया है और ये देखो मम्मी बैठी है यहाँ पर, माल्टा सुड़का रही है मम्मी हमारी, सुर सुर करके दिखा, मैं शकल दिखा अपनी एक बार मम्मी। ये ये देखो गाइस मम्मी माल्टा पे सुड़का रही है, और वो देखो ये सब फैला हुआ फिलहाल, चूल्हा मम्मी संभालेगी और बर्तन फैले हुए हैं, मम्मी धोएगी सब वो, और मम्मी धोने के बाद मिलता हूँ गाइस आपको मैं, शाम को मिलूंगा गाइस क्योंकि बहुत लंबा वैसी हो गई, मम्मी बर्तन वर्तन धो देगी और मैं अभी खाता हूँ माल्टा, तो मिलता हूँ थोड़ी देर में मैं। Later that same evening. तो गाइस समय हो रहा है 6:20 और मेरे साथ देखो ये मम्मी बैठी हुई है, और आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, ये देखो मोमोज आ रखे हैं, मोमोज देख, मोमोज देख कुलाने वाला मोमोज देख, ये देखो खाना भी स्टार्ट कर दिया है, तू बाद में खाना, मैं खाता हूँ एक पीस लेता हूँ, बाद में खाना, वीडियो बना ले। नहीं नहीं खाना जरूरी है, हाँ मुँह पानी आ गया गाइस मेरे, पानी आता है गरम हो रहा है। गाइस फिनिश करता हूँ मैं इसको, मिलता हूँ थोड़ी देर में अब मैं। तो गाइस मोमोज फिनिश हो गए पूरे, साफ कर दिए मोमोज खा के, और अभी का सीन ऐसा है मम्मी खाना पीना बनाएगी अब थोड़ी देर बाद, सब्जी वब्जी बनाएगी, फिलहाल वो साग बना रखी थी मम्मी ने, आपको बताया था कि साग बनाएगी मम्मी, साग बना रखा था मम्मी ने दोपहर में, तो वही साग अभी खाएंगे रात में मम्मी, मम्मी को खाली सिर्फ रोटी बनानी है वो। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं गाइस, आपने देखा होगा कितना एंजॉय करा हम लोगों ने घर में, तो आप लोग ये भगवान, तो ये भगवान, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। उम्मीद करता हूं ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, मैं बाय कर दे बाय, तो गाइस बाय, मिला नेक्स्ट ब्लॉग में।